हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो आज मैं बना रही हूँ लंच में सोयाबीन की बड़ी बना रही हूँ, लेकिन कुछ अलग तरीके से बना रही हूँ और पहली बार ही ट्राई कर रही हूँ, देखती हूँ कैसा होता है। सोयाबीन की बड़ी जो है वो मैंने उबाल के रख ली है गर्म पानी में। यहाँ आलू छील के रखे हैं, यहाँ पर प्याज, टमाटर, लहसुन, मिर्च है जो मैं काटूँगी। और मतलब इसमें मैंने सोयाबीन की बड़ी जो है ना उसे मतलब गर्म पानी में उबाल के और ठंडा हो गया है, और उसके बाद ठंडा निचोड़ लिया है। जब ठंडा हो गया था पानी उसका निकाल दिया है। उसके बाद मैं अब इसमें ये मैं मिला रही हूँ आरा रोट, जो स्टार्च आता है ना वो मिला रही हूँ, मिक्स कर रही हूँ। और मिक्स करने के बाद मैं इसे फ्राई करूँगी। और सच में ये डिश बहुत अच्छी बनी थी, बहुत अच्छी बनी थी, बच्चों ने भी बहुत पसंद करी और बहुत अच्छे से उन्होंने खाया। और यहाँ पे मैंने आलू उबाल के भी रखे थे, थोड़ा तो जो है मैं सब्ज़ी में डालूंगी, ग्रेवी बनाऊंगी, लेकिन थोड़ी सी डालूंगी। और यहाँ पे जो है आलू मैंने अलग से लिए हैं, ये मैं पिट्ठी बना रही हूँ इसकी। इसमें मैंने सिर्फ नमक मिर्च डाला है और कुछ नहीं मिलाया है। तो यहाँ पे मैं बनाऊँगी आलू की कचौरी, बनाऊँगी आलू की पूरी बोल लीजिए, कचौरी बोल लीजिए, क्योंकि कान्हा जी के लिए बनानी है मैंने, क्योंकि सोयाबीन की बड़ी जो होती है ना सब्ज़ी मैं उन्हें नहीं दिया करते हैं। तो आलू की पूड़ी बना रही हूँ उनके लिए, और बहुत दिन से हो भी रहा था, मैंने कहा चलो बच्चों को कुछ अलग देते हैं, जो है खान पान थोड़ा सा अलग कर देना चाहिए। डेली वही सब्जी, रोटी, दाल, चावल, तो थोड़ा सा कभी कुछ अलग सा कर दो तो अच्छा भी लगता है। और वैसे तो मैं कई दिन से सोच रही हूँ छोले भटूरे बनाने को, लेकिन वही है, जिस दिन भी सोचती हूँ ना कि आज छोले भिगो देती हूँ, भटूरे बना लूँगी, उसी दिन गर्मी कुछ ज़्यादा हो जाती है। लेकिन अब बना लूँगी, क्योंकि फिर जो है गुड्डो कैम चली जाएगी तो फिर बाद में हो नहीं पाएगा। तो मैंने कहा चलो बना लेती हूँ, मैदा भी मंगा के रख रहा है, फिर वो ख़राब ना हो जाए। तो देखूँगी अभी 2-4 दिन के अंदर ही छोले भटूरे भी बनाने हैं। और सच में बहुत दिन हो गए, कई दिन हो गए हैं बनाए नहीं है, और इच्छा भी हो रही है, तो दोपहर के टाइम भी बनाऊंगी। रात को तो खैर भारी हो जाता है, और ये छोले राजमा जो होते हैं दिन में ही खा लो, रात के टाइम भारी हो जाता है। और रात के टाइम हम लोग ना ज़्यादा मतलब खाना खा ही नहीं पाते हैं, दिन में हम लोग लंच कर लेते हैं, और रात को ये होता है कभी किसी का मन हुआ तो डिनर कर लिया, नहीं होता है तो कोई बात नहीं अपना मट्ठा पी लिया, दही खा ली, यही हो जाता है, लेकिन खा नहीं पाते। और मेरा तो ऐसी रहता है कि मैं तो खाती नहीं हूँ, और कभी हो गया तो खा लेते हैं। तो बस यहाँ पे मैं पूरी बना रही हूँ और आलू की, और इसमें हरा धनिया होता तो और अच्छा लगता, हरी मिर्च भी नहीं थी मेरे पास, तो 2-4 थी वो मैं सब्ज़ी में ही डाल दूँगी, और हरा धनिया होता तो थोड़ा टेस्ट और अच्छा आ जाता। और बस यहाँ पे जो है मैंने फ्राई कर लूँगी, और उसके बाद जो है फिर मैं सब्ज़ी बनाऊँगी।
तो यहाँ पे जो है गर्मा गर्म कचौरियाँ तैयार है। कचौरी तो ये खैर कहीं से लग नहीं रही है, ये आलू की पूरियाँ ही हैं। तो कान्हा जी को भोग लगा दिया है, उन्हें भिजवा दिया है और मैं बच्चों को भी दे दूँगी, तो आप भी आ जाइए खा लीजिए। और सच में बड़ी टेस्टी लग रही थी चटपटी। तो यहाँ पे जो है मैंने तेल जो था कढ़ाई में उसमें से ही थोड़ा सा निकाल के रख दिया, ज़्यादा हो रहा था, और तड़का दे दिया है मैंने। इसमें जीरा डाल दिया है और बस हींग डाल दिया हल्की सी, और हींग जो है मैं हर सब्ज़ी में डाल देती हूँ। तो मैंने यहाँ पे जो लहसुन प्याज हरी मिर्च थी उसे मैंने कद्दू में मतलब मिक्सी में पीस लिया है, कद्दू में बोल रही हूँ, मिक्सी में पीस लिया है। और चॉपर में भी चॉप कर सकते हैं, लेकिन मेरा चॉपर टूट रखा है, मैंने कई दिनों से टूट रखा है, लेकिन सोचती हूँ कि उसे सही कर दूँ, पर ध्यान से ही नहीं रहता। इधर पानी भी गर्म कर लिया है मैंने डालने के लिए, और प्याज जब हो गया था हमारा, भून गया था, तो मैंने उसमें टमाटर पीस के डाल दिए हैं। ये इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि इसमें ग्रेवी है, ग्रेवी अच्छी से बन जाएगी, और बस। और उधर पानी भी गर्म हो रहा है, और सब्जी हो दाल हो कुछ भी हो, मैं अगर ऊपर से पानी डालना होता है तो मैं गर्म करके उबाल के ही डालती हूँ, ठंडा पानी नहीं डालती हूँ। और यहाँ पे मैंने मिक्सी में ही अभी थोड़ा सा बच रखा है टमाटर, मैंने कहा पानी से हिला के डालूँगी, तो मसाला भी डाल देती हूँ। तो डेली वेज के जो मसाले होते हैं हल्दी मिर्च नमक धनिया सब, वो मैंने मिक्स करके और उसी में ही मिक्सी में पानी मिक्स करके और डाल दूँगी, थोड़ा सा खंगाल के और डाल दूँगी, क्योंकि उसमें रह रहा था। और हमारी आदत यही होती है, जब तक उसमें से पूरा पोंछ ना लेना तब तक शांति नहीं मिलती। तो मैंने मिक्सी को अच्छी तरह से जो है साफ़ कर लिया है, मसाले को मैं अच्छे से भून रही हूँ, और जब तक इसमें भून जाएगा इसका तेल दिखेगा ऊपर, और बाद में मैं इसमें कसूरी मेथी ज़रूर डालूँगा। कसूरी मेथी मैं ज़रूर डालती हूँ, तो वो मैंने डाल दी थी, वो दिखाया नहीं, उस टाइम फ़ोन ऑन ही नहीं था, तो फिर मैंने वो डाल दिया है। और मसाला यहाँ पे अच्छे से हो गया है, बस मैंने जो बढ़िया थी मैंने फ्राई करी थी, बस इन्हें इसमें मिला दूँगी, अच्छे से मिक्स कर दूँगी। और थोड़े से आलू निकाल के रखे थे हाथ से फोड़ के, वो भी डाल दूँगी मैं इसमें, और अच्छे से इसे थोड़े सा मसाले में ही भूनूँगी। और जब अच्छे से मसाले में मिक्स हो जाएंगे तो इसमें मैं अपने जितना पानी चाहिए, गर्म पानी है उतना पानी डाल दूँगी, और थोड़ा सा खद्दा लगा लूँगी, और सब्ज़ी मेरी जो है यहाँ पर तैयार हो जाएगी। बस इसमें एक कसर रह गई थी, अगर हरा धनिया होता तो और अच्छी बन जाती, लेकिन सच में सब्ज़ी जो होती बहुत टेस्टी बन रही थी, और देखने से ही इतनी टेस्टी लग रही है और अच्छी बनी थी। तो आप भी एक बार इस तरह जैसे मैंने सब्ज़ी बनाई है आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, और फिर मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपने कैसे बनाई है। तो पहली बार मैंने ट्राई करी है, मैंने कहा चलो कुछ अलग से ट्राई करके देखते हैं, और एक्सपेरिमेंट करना ही चाहिए किचन में, हमें कुछ ना कुछ बना के देखना ही चाहिए और कैसे बनता है और क्या चीज़ कैसे नहीं बनती। तो बस मेरा वीडियो यहीं तक है, और इसे ग्रेवी गाढ़ी हो जाएगी इसकी बाद में, तो चावल के साथ खाइए, रोटी के साथ खाइए, जिससे आपका मन करे उससे खाइए, तो अच्छी बनती है। तो वीडियो मेरा यहीं तक है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार आए हैं सब्सक्राइब के बिना देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मुझे सपोर्ट प्यार कीजिएगा। तो बस मैं मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, शुभ रात्रि, गुड नाइट, बाय बाय।